एक और यूपी की योगी सरकार अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने का दावा करते हुए गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश में लगी। ऐसे में कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज भी गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जालौन के गोकुलपुरा में भी कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ मनरेगा का काम मजदूरों के स्थान पर जेसीबी से करवाए जाते हुए खुद डीसी मनरेगा और मुख्य विकास अधिकारी ने पकड़ा था। इसके बाद जालौन के खंड विकास अधिकारी को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन मामले के कई दिन बाद भी अब तक ना तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई और ना ही कोई अन्य कार्रवाई की गई। मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ये प्रकरण जो संज्ञान में आया था उस दिन मैं अवकाश पर थी जी। और पूरा ही प्रकरण मैंने पूरा समझा है और इसकी गहनता से एक बार स्वयं जांच करेंगे और उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश होंगे और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने कैसे खंड विकास अधिकारी खुद मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब उनके उच्च अधिकारी डीसी मनरेगा और मुख्य विकास अधिकारी खुद मौके पर जेसीबी को काम करते पकड़ चुके हैं तो क्या उन्हें उनकी ओर से बनाई गई रिपोर्ट पर शक है? ऐसे में जेसीबी की मदद से काम कर मनरेगा मजदूरों के हित पर डाका डालने वाले लोगों पर कभी कार्रवाई होगी भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत 9 के लिए जालौन से जुबेर अहमद की रिपोर्ट।